got a message ki aaj delivery ho rahi hai. So let's start this video. तो क्या था लाड लो ऑफिस आ चुके को नए रैपचिंग वीडियो के साथ। तो यार ईव मैसेज आया था फ्लिपकार्ट का कि फोन डिलीवर होने वाला है और ईव समझाऊं कि सारा सीन क्या चल रहा है। तो देखो भाई कुछ समय पहले जो है ना मैं देख रहा था कि हम बाहर गए हुए थे तो पापा फोटो खींच रहे थे, तो फोटो खींचने के लिए उन्होंने लिटरली मेरा फोन मांगा कि भाई फोटो खींच दे, तेरे फोन का कैमरा बेटर है। तो एकदम से यार मेरे दिमाग में एक चीज हिट करी कि भाई इन दी एंड घर में सारा पैसा कौन कमा रहा है? पापा। एंड पापा के पास ही बढ़िया फोन नहीं है, सो लाइक वॉज द पॉइंट ऑफ ही अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो भाई इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मेरे पास पड़ी थी यार कुछ सेविंग कि भाई फोन गिफ्ट करेंगे पापा को, बट सिर्फ फोन गिफ्ट नहीं करना यार, जो भी गिफ्ट दूंगा इतने उसमें देना है मेरे को कि वो मेरे पैसे से हो एंड मतलब मेरे को बाहर से कोई पैसा ना उठाना पड़े। तो भाई मेरे पास कुछ 1000 सेविंग वगैरह पड़ी थी, कुछ 1 मेरी इनकम वगैरह पड़ी, मतलब इन शॉर्ट थोड़ा बहुत अमाउंट पड़ा था। फिर मेरे पास ना पुराने फोन बहुत पड़े थे जो रेडमी नोट 5 प्रो डाल के फोन, तो मैंने वो फोन बेच दिए। तो उसके बाद मेरे इन दी एंड मतलब फ्लिपकार्ट पे सेल लग रही थी और एक्सचेंज ओपन में इस फोन के एक्सचेंज में एक नया फोन मिल जाएगा जो कि एक बढ़िया है, रियलमी का कोई सा फोन है। बट मेन बात मैंने इसमें क्या बताने कि भाई मैंने बहुत बार देखा ये चीज, बहुत बार नोटिस करी है कि अपने घर में जो अपने माता पिता हो ना उनके पास हमेशा पुराना फोन होगा। लाइक इफ यू कर मैं जो इस फोन से शूट करने लगा पुराना होगा तो मैं ये पापा ने दे दूंगा, मैं नया ले लूंगा, इस डर का सीन चाहता हर घर में। और कैन नमनू कहते कि न फोन का की काम है, बट इन दी एंड यार मैं नू मानू चाहे फोन का काम हो या ना हो यार, उनकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी यार, जिनकी वजह से अपनी जिंदगी उन दौरे बढ़िया फोन हो तो मतलब क्या है अपने दौरान का। तो यह चीज मेरे दिमाग में आई थी तो दैट्स व्हाई मैंने फोन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि चल रहा तो ठीक था पापा का फोन करती, मतलब फोन वोन करने ना व्हाट्सएप वगैरह आएंगे होंगे बिना चल रहा था, बट स्टिल। एंड एक और चीज क्या है कि ना तो इव पापा का जन्मदिन है ना फादर्स ने, मतलब कुछ भी कौन है इस डाल का एनिवर्सरी वगैरह कुछ नहीं। तो एक और चीज मैं इस तक के आप लोगों ने मैसेज देना चाहूंगा कि भाई ये फादर्स डे हो गए, बर्थडे हो गए, इस दिन तो गिफ्ट दे यार, ठीक है सब ठीक है बढ़िया बात है, बट उनके अलावा भी यार इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक के दिन इज्जत दोगे, एक के दिन वो करोगे, हर दिन आप लोगों के लिए होना चाहिए कि भाई वो मेरा फादर्स डे, वो मेरा मदर्स डे है, तो हर दिन उस रात बनाना चाहिए। यो एक मैसेज देना चाहूँ था, तो इन सब बातें ना छोड़ दें क्योंकि पापा लंच के टाइम पे आ जाएंगे एंड उस टाइम पे सरप्राइज देना है। तो अब मेरे दिमाग में मेरा एक मैसेज स्ट्राइक हुआ कि पापा मैंने धमका देने क्यों रे फूके देखेंगे। बाकी दरअसल क्या है पापा को बहुत शौक है फोटो वोटो लेने का, व्हाट्सएप वगैरह पर डालने का, तो इस वजह से मैंने देखा था कि सब में बढ़िया कैमरा फोन लेना है एंड उस बजट में सब में बढ़िया कैमरा फोन था एंड बाकी बात बाद में करते हैं। फ्लिपकार्ट वाले तो बात करी थी 1-1.5 घंटे में पहुंचेंगे, बट टाइम हो रहा था इसे फोन में देख ले तो टाइम कितना है 10-15। एंड बात करूँ तो यार ये फ़ोन तो दरअसल बहुत काम का था, मतलब यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाने में, क्योंकि इसका कैमरा भी बढ़िया था, माइक भी बढ़िया था, तो दिस वॉज लाइक माई मल्टीपर्पज़ फ़ोन। तो कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज ये फ़ोन दिया है, अब अपने पास भी आईफोन आएगा अगर सब अच्छे से चलता रहा। मैं बस एक बार यार भाई ये यूट्यूब इनकम छोड़ो, वो कभी और बात करेंगे ठीक है। एंड बात करी जाए डिलीवरी की तो तुम लोगों ने दिखाऊँ तो यो देखो भाई इतने अमेजोन के पार्सल पड़े हैं, यो भी अमेजोन का पार्सल है, यो भी अमेजोन का पार्सल है, मैंने खोलने ही नहीं है लाइट वगैरह, ये मतलब अपना जो एक नंबर का ऑप्टिक सेट बनाना उससे मंगवाए हैं एंड बहुत सस्ती सस्ती चीज़ है भाई, लाइक 200-200, 300-300 रुपये की चीज़ है, बट इन्हें अगर ध्यान से यूज करना तो एक नंबर का फाड़ रूम बन सकता है जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लाइव है। तो ये भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगे सेटअप टूर में, तो ये बाट देखे हैं फ्लिपकार्ट वाले कि जब वो आ जाऊंगा जब पापा वीडियो बनाओगे एंड उसके बाद पापा के सामने भी वो दिखाओगे फिर होगा भी रिएक्शन बहुत स्वाद आओगे। तो चलो तो पापा वो घर पे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, मतलब वाइफ साहब बोल रहा हूँ करने पर पापा दर से घर पे आते नहीं लंच टाइम पे क्योंकि काम इधर आते तो फिर मैं एंड इट्स टाइम सरप्राइजिंग मैन
काफी हैवी है भाई बॉक्स तो दो एंड एक काम करो जो चाय दो ना उसके नीचे निकाल लो यार सब में बड़ी दिक्कत ये आएगी कैमरा छुपाना बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट मोमेंट एंड एवरीथिंग बाय पुटिंग कैमरा ऑन हिज फेस आई एम लाइक हाँ बताओ बताओ वो मतलब खत्म हो जाता है यार नेचुरल सब कुछ तो दैट्स व्हाई देखते हैं क्या सीन बट मतलब अंदर से पता है इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं हुई मेरा जो लैपटॉप आया फोन है इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितना मेरे को गिफ्ट देने में लाइक पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है जब भी किसी को कुछ देते हैं किसी को सरप्राइज करने का टाइम लाइक आई लाइक दिस फीलिंग पैसे होते तो भाई मतलब हर महीने किसी को कुछ गिफ्ट देना मजा आता है बट एनीवेज लेट्स मेक टी क्योंकि पापा एंड मेन मेन जो चीज है फोन सेकेंडरी चाहे इंपॉर्टेंट सिया और हाँ अब जो वो यूट्यूब में हेल्प करता था छोटा फोन अब उसका सिर्फ कवर और उसका अब सिर्फ जो है ना ये स्क्रीन गार्ड बच गया उसकी सिर्फ यादें रह गई अब तो आई हैड टू से इट गुड बाय बट कोई बात नहीं यार अब सोच रखा यार दो चीज़ें विश लिस्ट में ऐसे जो मेरे को पैसे इकट्ठा होते लाने हैं पता नहीं कभी इकट्ठा हुए हाँ और वो दोनों चीज़ें जब मेरे खुद की कमाई और पैसे इकट्ठा होंगे ना कि जो मम्मी पापा देते हैं वो इकट्ठा करके नहीं तो कमाई तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसे कि वो इकट्ठा कर सके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो चीज़ है यार एक पॉइंट एंड शूट कैमरा जिससे जो है ना फिर वीडियो अपनी क्वालिटी टॉप नॉच हो जाएगी एंड अनदर थिंग इज MacBook to edit my videos. So, देखेंगे यार कब 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 क्या सीन होता है भाई धीरे धीरे चल रहे हैं फोन से स्टार्ट करा था पता नहीं यार खा रहे गए कही तो थी कि आ रहा हूँ 10 मिनट में 10 के 20 से आधा घंटा हो गया पता नहीं किस टाइम आएंगे आ गए दिमाग में बहुत नेक्स्ट लेवल खुला पाता है मैं जब एक तो ये ड्रामे वैसे ही करे आगे तो कमरे में तो कोई दिख नहीं हाँ तो खुराफा दिया कि मैं जाते ही पापा बैठेगा मैं दे दूंगा पापा के हाथ में चक्कू चलो चक्कू पता नहीं हाँ तो मतलब हाथ में चक्कू दे दूंगा लाइक कह दूंगा लाइक क्या करूँ ये क्या दे दिया चक्कू देने के बाद पापा लाइक दे देना लाइक इसे खोल दो तो आई डोंट नो पापा का पता है कि यार दिमाग और कहीं चलता रहता तो मैं भी ध्यान देना दे उसके बाद थोड़े टाइम बाद ध्यान देने के अच्छा पापा का पहला रिएक्शन है तेरी मम्मी के लिए है या फिर यू कह देंगे तेरे लिए है एंड फिर देखते हैं फिर एक्सप्लेन करें यार मेरा बहुत मन करे इसको खोला बिकॉज मेरे को बहुत पसंद है यार नए नए फोन खोल के इनबॉक्स वगैरह करना लाइक इंडिया जो ये चैनल की स्टार्टिंग में नेम था वो था टेक्नोशेखर सो मेड इन इंडिया रुको तो एक मिनट जब बेइज्जती है आप जैसे कूद रहे हैं आजकल आप प्रधान बन गए हो ना तो प्रधान के लिए फोन वो पुराने का कैमरा खराब था ना ये कौन तू है अरे आप दिए है पुराने जो फोन पड़े थे वो बेच दिए ओहो बेच दिए तो सारे तू खोल देना खोल खोल सारे ये कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा नया फोन प्राप्त करके अच्छा अच्छा ये फोटो सारे सेवा की मम्मी की इतनी वो रही थी नुके पापा तिले का है मेरे तिला का तीर थी कुत्ती आंटी और पिताजी ने कोई एक्सप्रेशन को नहीं दिखाया है नीचे डब्बा तुमसे ना हो पाएगा और ये रियल मी का फोन निकलता हुआ तू चुप रहा अपने पास तो बेकार सी कमेंट्री ओह माय गॉड पापा जी क्या कहना चाहेंगे फोन तो भाई अच्छा लग रहा है बड़ी स्क्रीन आंखों को काफी आराम देगी पापा ने कैमरा की जरूरत थी ना स्विच ऑन करो
आगो पुराने वाला फोन दबाए रखो ना, स्विच ऑन ना हो यार, स्क्रीन गार्ड भी लगा। पापा भावुक होते हुए। तो भाई फाइनली गार्ड वार्ड लगा के पापा का फोन फुल रेडी हो चुका है, फुल फ्लैश भैया। एंड अभी मेरे पास इसलिए कि घर पे कोई था ही नहीं, मैं घर से आया जब जिम से। एंड बिल्कुल सही भैया, मतलब आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू कीप दिस एंड, क्योंकि भाई ये स्टोक एंड्रॉइड एंड आई रियली लाइक स्टोक एंड्रॉइड, बट कोई नहीं इसको तो वहां रखते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। तो सबसे पहली चीज तो यार एक कम्प्लीटली सक्सेसफुल चीज हुई, और अब एंड में एक ही चीज कहूंगा कि यार बहुत मजा आया, और अगर तुम लोगों का ऐसे सपोर्ट मिलता रहा है, ऐसे ही प्यार मिलता है, तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे सरप्राइजेस सिर्फ यार पेरेंट्स को नहीं हर किसी को देते रहेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। दिस बॉय साइनिंग ऑफ फ्रॉम बेसिक इंडियन बॉय, सब्सक्राइब जरूर कर देना। When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rat race, the fast pace has you thinking it's a bad place, you just wanna blast off.